हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कहानी दो फ्रेंड्स की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये मिले हैं राइट आफ्टर देयर रिजल्ट्स। अभी मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है और ये दोनों दोस्त मिले हैं। अभी देखते हैं इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है। हाय यश, तुमने तो यूपीएससी की तैयारी की थी, 15-16 घंटे तक तैयारी की थी, क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट? नेहा यार, मैं तो फेल हो गया। अरे यश, तुम तो 15-16 घंटे पढ़ाई करते थे, तुम तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी कैसे फेल हो गए? यार नेहा, क्या बताऊँ, मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में गया तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। इतना सब पढ़ा था मैंने, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अरे अरे यश, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो जाके एक एक्सपर्ट से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। हाय गाइस, मैं हूँ आंचल झुनझुनवाला और मैं हूँ यूपीएससी की एक्सपर्ट। ये जो दो दोस्त हैं, इनकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। यश जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट है अकेडमिकली, 15-16 घंटे तक रोज़ पढ़ाई करता था यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, पर फिर भी पास नहीं हो पाया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया और रिवीजन को दिया ठेंगा, कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी रिवाइज नहीं किया। तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गया तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने 15-16 घंटों तक रोज़ पढ़ाई की है पूरे एक साल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम रिविजन स्ट्रैटेजीज, 3 रिविजन स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करेंगी ताकि आप यश के जैसे ना बन जाएं, राइट? तो पहली रिविजन स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 8-10 घंटे की पढ़ाई कर ली, नया कंटेंट पढ़ा है, तो सोने से आधे एक घंटे पहले मैं उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लूँ। इसे कहते हैं डेली रिविजन। यस, साइकोलॉजी हैज़ प्रूवन कि अगर आप कोई भी चीज़, जो भी न्यू चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको विद इन 48 आवर्स फिर से रिवाइज करेंगे तो आपका रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिटेन कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप विद इन 48 आवर्स उसी सेम चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। इसीलिए पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप डेली रिविजन करें, जो भी आपने पढ़ा है पूरे दिन में, सोने से पहले आधा एक घंटा निकाल के उसे रिवाइज कर लें और फिर सो जाएं। एक एडवांटेज तो आप देख ही चुके हैं कि इसका रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा आज मैंने पढ़ लिया है बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। लेकिन जब आप ये रिवाइज करने बैठेंगे, जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आएगी बिकॉज आपने आज ही के दिन में ये चीज़ें पढ़ी है, राइट? इसीलिए डेली रिविजन आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रिटेन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा और आप कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहेंगे पूरा साल यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, राइट? अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास डेली रिविजन का टाइम नहीं है तो हम क्या करें? तो इसके लिए है दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप डेली रिविजन नहीं करके वीकली रिविजन कीजिए। तो आप फिक्स कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अपना संडे, ठीक है, आप संडे फिक्स कर लो कि अब मुझे एवरी संडे सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी है जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ी है। मंडे टू सैटरडे मैं न्यू चीज़ें पढ़ूंगा, न्यू मटेरियल आई विल रेफर, न्यू कॉन्टेंट आई विल रीड एंड ऑन संडे आई विल रिवाइज एवरीथिंग जो भी मैंने मंडे टू सैटरडे में पढ़ाई की है, पूरा संडे डेडिकेट कर दूंगा। ऑब्वियसली अगर आप मंडे टू सैटरडे 10-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा दिन आपका जाएगा, पूरा संडे जाएगा, 8-10 घंटे आपको लगेंगे सारी चीज़ें ये रिवाइज करने में, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी से डेवलप हो जाएगी। जब आप वीक एंड पे बैठ के सोचेंगे कि अच्छा अब मैंने पूरे हफ्ते में क्या क्या पढ़ा है, और जब आप रिवाइज करेंगे और जब आप रिवाइज करते करते
याद करने की कोशिश करेंगे कोई एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपके ब्रेन में वो ट्रेनिंग होगी जहाँ पे एक टॉपिक का नाम सुनते ही आप उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने लगे। यही चीज़ की ट्रेनिंग अगर आप आपके ब्रेन को देंगे तब जाके एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी टॉपिक पे सवाल आए, तो आपका ब्रेन इमिजिएटली वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने लगेगा, राइट? तो ये हो गई आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी कि अगर आपको डेली रिविजन नहीं पॉसिबल है, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं आप उतना टाइम दे पा रहे हैं, तो वीकली रिविजन कीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिविजन करें, ओके? कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मैडम मुझे वीकली रिविजन भी नहीं जम रहा और डेली रिविजन भी नहीं जम रहा, मुझे कुछ बीच का दे दीजिए। तो बीच का अगर आपको रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसके लिए है रिविजन स्ट्रैटेजी 3, जिसमें आप एवरी 3 डेज में रिवाइज कर रहे हैं। जो भी पढ़ लिया मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपने पढ़ लिया, वेनसडे की रात को बैठ के 2 घंटा आप दे दीजिए और सारी चीज़ें मंडे ट्यूसडे और वेनसडे में जो आपने पढ़ी है वो रिवाइज कर लीजिए, राइट? इससे क्या होगा, आपका ब्रेन रिटेन भी ज़्यादा करेगा और रिकॉलिंग का भी थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग उसे मिलता रहेगा। तो ये होगी बीच की स्ट्रैटेजी। इसका एक बस डिसएडवांटेज ये है कि आप अपना शेड्यूल नहीं बना पाओगे। जब मैं कह रही हूँ एवरी 3 डेज, तो पहले वीक में तो आपने मंडे ट्यूसडे वेनसडे को कर लिया रिवाइज, फिर आप करेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को रिवाइज, फिर आप करेंगे संडे मंडे ट्यूसडे फिर ट्यूसडे को रिवाइज करेंगे, फिर आप वेनसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे को रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी सी शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप एक एक हफ्ते का शेड्यूल आपके लिए बना रहे हैं तो आप एवरी वीक इसको सर्कुलर मोशन में डाल सकते हैं। आप मंडे को एक रिवाइज कर लीजिए, फिर आप थर्सडे को रख लीजिए, फिर आप संडे को रख लीजिए, ऐसे ब्रेक्स में दो तीन दिन के गैप्स में आप अपना रिविजन शेड्यूल सेट कर सकते हैं, राइट? इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन तीनों में से आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, स्ट्रैटेजी 1 यूज़ करें डेली रिविजन, स्ट्रैटेजी 2 यूज़ करें वीकली रिविजन, या फिर स्ट्रैटेजी 3 यूज़ करें 2-3 डेज में रिवाइज करने वाली, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिवाइज करें ताकि आपकी हालत वो यश जैसी ना हो जाए। 15-16 घंटा पढ़ने के बावजूद आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप ब्लैंक नहीं हो जाएं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपको रिवाइज करना है। अच्छा, इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं ये ऐड करूँगी आज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो एक ही टॉपिक मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट तो रिवाइज कर ही रहा हूँ, इवन दो आई एम रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, एटलीस्ट मैं सेम टॉपिक तो पढ़ रहा हूँ, तो मेरा रिविजन तो हो रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आप 10 बुक्स एक बार पढ़ें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी आने लगेगी ब्रेन में। जब आप एक्चुअली एग्जाम लिख रहे होंगे, अगर आपने एक एक बुक को 10-10 बार पढ़ा है, तो उससे ये होगा कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में जिस भी टॉपिक से वो रिलेटेड होगा, तब आपने जिस बुक में जहाँ पे वो कंटेंट लिखा है, जिस पेज पे वो लिखा है, वो आपके आंखों के सामने आने लगेगा, राइट? और जब ये होगा तब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और जो कंटेंट आप लिखोगे वो बहुत ज़्यादा करेक्ट और वैलिड होगा। तो इसीलिए गाइस आपको याद रखना है कि आपकी हालत यश जैसी ना हो जाए, इसलिए आपको रिवाइज करना है, रिविजन स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है। 100% आपको अपनी फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ रिविजन के लिए, रेगुलर रिविजन के लिए टाइम निकालना है, टाइम एलोकेट करना है अपने वीकली टाइम टेबल में, राइट गाइस? ये स्ट्रैटेजीज अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ जो आपको हेल्प करेगा आपकी UPSC की प्रिपरेशन में। अंटिल देन ऑल द बेस्ट, बाय गाइज़।